राजस्थान में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। पढ़े लिखे लोग हो या मासूम बच्चे, फिर चाहे पुलिस के अधिकारी, सभी लोग इस साइबर क्राइम की चपेट में आ रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम करने वालों का भी तरीका बदलता जा रहा है। जी हाँ, प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर साइबर डीजीपी रवि प्रकाश मेहरडा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल ने। साइबर क्राइम के मामले हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर डीजीपी रवि प्रकाश मेहरडा हमारे साथ हैं। सर, साइबर क्राइम के मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे सामने एक चुनौती के रूप में है, और जिस तरह से इंटरनेट का और स्मार्टफोन्स का प्रचलन बढ़ा है, हर आदमी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, उसके कारण जो अपराधी हैं उनको भी एक मौका मिला है कि किस तरह से लोगों को ठगा जाए, किस तरह से लोगों को एक्सट्रॉट किया जाए। तो ये एक चुनौती है और इस चुनौती पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, अपने कर्मियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, और साइबर लैब की स्थापना भी हम शीघ्र करने जा रहे हैं, जिससे भी हमारे अनुसंधान अधिकारियों को मदद मिले। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्राइम के जो मामले हैं वो तरीके में हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, उस पर क्या है? उनको, उन तौर तरीकों को अध्ययन करने की और लगातार हमें उस पर एंटिसिपेट करना पड़ेगा पुलिस सिस्टम को कि आगे वो क्या कर सकते हैं, और उस पर योजना बनानी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि साइबर क्राइम फील्ड एक बॉर्डरलेस क्राइम है और वो किसी थाने तक सीमित नहीं रहता। कई बार आदमी कहीं दूर बैठा है और वहीं से क्राइम कर रहा है, पैसे कहीं और डाल रहा है, निकाल कहीं और से रहा है। तो ये एक है चुनौती, और इस चुनौती का सामना करने में थोड़ा अभी समय लगेगा, कैपेसिटी और ट्रेनिंग के मार्फत ये संभव हो पाए। राजस्थान पुलिस के द्वारा अब क्या कुछ नया इन साइबर ठगों को जो रोकने के लिए प्रयास करने के लिए? लगातार रेड्स, लगातार इंटेलिजेंस इनके बारे में कलेक्ट करना, इनका एक डेटा बनाना, और इनको, इनके विरुद्ध जो भी स्ट्रिंजेंट एफर्ट्स हैं, लॉज हैं, उनमें केस दर्ज करना, सजाए करवाना, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करना, एक कानून में इस तरह की कोई व्यवस्था करना, ये हमारी आगे की कार्यवाही। तो क्या मैसेज देंगे राजस्थान की पब्लिक को कि किस प्रकार से जो साइबर क्राइम के जो मामले हैं उनको रोक सकें? मैं तो जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जितना आप अपने जो भी इंटरनेट या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस पर सतर्क रहें, सावधान रहें, और मैं तो कहूँगा कि इसमें बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। तो प्रिवेंशन करें और जागरूक रहें, और पुलिस को रिपोर्ट करें लगातार जो भी हो रहा है। तो ये थे रवि प्रकाश मेहरडा जी, जिन्होंने कहा कि जो साइबर ठग हैं उनको रोकने के लिए ऐसी कार्यवाही है वो लगातार की जाएगी, और इनके जो भूखंड है, जो मकान है, उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। रामनिवास गुर्जर के साथ सुरेश कुमार, A1 TV जयपुर।